हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में सभी लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए सभी दोस्तों को शुभ संध्या उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बीच बीच में हम मैराथन क्लास लेकर आते रहेंगे जो मैराथन क्लास होगा दो से तीन घंटे को होगा तो आप लोग को बोर नहीं होना है देखिए पढ़ाई से जुड़े हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ओके अगर मैंने पहले ही बताया था कि स्टूडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि सॉफ्ट नहीं बनना है कठोर होना है ओके अगर अभी आप कठोर होंगे तो बाद में आपको अच्छा लगेगा अभी आप मुलायम हो जाएंगे तो फिर सुस्त होंगे तो फिर दिक्कत होगा यानी विद्यार्थी का मतलब ही होता है कि उसे अपने विद्यार्थी लाइफ में सुखों को त्यागना होगा ओके कठोर बनना पड़ता है तभी कुछ होगा चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है हरियाली में हरियाली में कौन सी संज्ञा है बताइए हरियाली में कौन सी संज्ञा है तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ओके क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है बताइए अब बताइए लोग अभी नहीं दिखाएंगे आप लोग बताइए तब आंसर दिखाएंगे सोना चांदी में क्या आंसर होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा ओके क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला है सुंदरता में कौन सी संज्ञा है सुंदरता में कौन सी संज्ञा है दोस्तों बताइए क्या राइट आंसर होगा कमेंट कीजिए सुंदरता में कौन सी संज्ञा है तो देखिए सुंदरता में आपका राइट आंसर हो जाएगा भावाचक संज्ञा ओके भावाचक संज्ञा चलिए अगला प्रश्न देखिए सभा में कौन सी संज्ञा है सभा में कौन सी संज्ञा है तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला है संज्ञा के कितने भेद होते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो संज्ञा के बताइए लोग आंसर हम भी बताते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो संज्ञा के संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइएगा तो लोग तो है तीन होता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं पांच भेद होते हैं ना ओके चलिए यहाँ पर जो दिया है ना ये इस पर नहीं जाना है आपको ओके देखिए दोस्तों संज्ञा के पांच भेद होते हैं यहाँ पर जो आंसर है ये तीन नहीं होता है ओके इसको भी ध्यान देखना है चलिए अगला देखिए अगला है विशेषण से बनाभावाचक संज्ञा क्या कहलाता है विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा क्या कहलाता कहला है बताइए तो ये कहलाता है ऑप्शन में से ऊंचाई हो जाएगा ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला है राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा है इसमें से क्या हो जाएगा बताइए देखिए इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता ओके राष्ट्रीयता हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न देखिए रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाहन किया इसमें भावाचक संज्ञा कौन सा है बताइए रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाहन किया इसमें भावाचक संज्ञा कौन सा है तो भावाचक संज्ञा आपका मित्रता हो जाएगा। राइट आंसर ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला है मित्रता भावाचक संज्ञा किससे बनती है तो ये बनती है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा से ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला है भावाचक संज्ञा नहीं है भावाचक संज्ञा नहीं है इसमें कौन नहीं है बताइए भावाचक संज्ञा इसमें कौन नहीं है कमेंट कीजिए तो इसमें भावाचक संज्ञा और फिर की जो है ये नहीं है ओके बाकी सब है चलिए अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है तो देखिए क्या होते हैं इसमें क्या दिया है कि संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं ओके okay? यही आपका गलत है जबकि आपको पता है कि संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं ओके okay? द्रववाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं नाप या तोल सकने वाले शब्द द्रववाचक संज्ञा है ओके okay? चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला है निम्न में संज्ञा शब्द है कौन है तो देखिए क्रोध जो है ये बी नंबर में ये सही लिखा हुआ है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला है निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बताइए बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा औरत औरत इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला है निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है तो भावाचक संज्ञा बताइए कौन है इसमें तो आपका पशुता भाववाचक संज्ञा है ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला है निम्न में भाववाचक संज्ञा है कौन भाववाचक संज्ञा है बताइए इसमें कौन भावाचक संज्ञा है दोस्तों कौन भावाचक संज्ञा है तो भावाचक संज्ञा देख लीजिए सजनता इसमें भावाचक संज्ञा है ओके सजनता चलिए अगला प्रश्न इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भेज देंगे ओके दोस्तों चलिए देखिए निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है बताइए इसमें भावाचक संज्ञा बताना है कौन है भाववाचक संज्ञा कौन है इसमें बताइए लोग दोस्तों इसका राइट आंसर भाई हो जाएगा ओके वाचक संज्ञा है इसमें चलिए अगला प्रश्न देखिए निम्न में भावाचक संज्ञा बताना है इसमें भी भावाचक संज्ञा कौन है बताइए कौन भावाचक संज्ञा है बताइए लोग तो इसमें भावाचक हो जाएगा शिष्टता जो है ये भावाचक संज्ञा है ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ये तो बता ही दिया आंसर मैंने भावाचक संज्ञा इसमें क्या हो जाएगा स्वास्थ्य ओके देखिए दिया हुआ है चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला है आपका देखिए अगला क्या है इसमें दिया है अपनापन में कौन सी संज्ञा है अपना अपनापन में कौन सी संज्ञा है दोस्तों तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा ओके भाववाचक संज्ञा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला है आपका इसमें सुंदरता में संज्ञा है तो सुंदरता में क्या हो जाएगा इसमें इसमें भी आपको पता है भाव हम लोग फील करते हैं ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए राष्ट्रपति भवन में संज्ञा कौन सी है राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा होगी बताइए तो इसमें दोस्तों होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या हो जाएगा निप निम्न में भावाचक संज्ञा बताना है तो इसमें देखिए निपुणता जो है यही भावाचक संज्ञा हो गया ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है चलिए बताइए इसमें कौन भावाचक संज्ञा है क्या होगा तो इसमें भावाचक संज्ञा आवश्यकता जो यह है यह भाववाचक संज्ञा है ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए निम्न में इसमें भी भाववाचक संज्ञा पहचाना है बताइए कौन भाववाचक संज्ञा है कौन भावाचक संज्ञा है अब जो लोग सही बनाएंगे वो समझ लीजिए उनका रिजल्ट बिल्कुल आने के समान है अगर इसमें जिनका सही हो रहा है ओके चलिए बताइए बीच बीच में मैराथन क्लास चलता रहेगा बोर नहीं होना है सिर्फ आप लोगों को तभी रिजल्ट आएगा पतन जो है इसमें भावाचक संज्ञा ओके चलिए इसमें बताइए भावाचक संज्ञा इसमें भी बताना है कौन भावाचक संज्ञा है तो इसमें भी वही ये तो सेम ही क्वेश्चन है ओके इसमें बताइए इसमें भावाचक बताना है बताइए तो देखने से ही पता चल रहा है सुंदरता भावाचक संज्ञा है चलिए इसमें बताइए इसमें कौन भावाचक संज्ञा है तो इसमें नरत्व जो है ये भावाचक संज्ञा है ओके चलिए इसमें बताइए इसमें कौन भावाचक संज्ञा है इसमें कौन भावाचक संज्ञा है तो ममता जो है ये भावाचक संज्ञा है ओके ममता लड़की का भी नाम है निम्न में जातिवाचक संज्ञा बताना है कौन जातिवाचक संज्ञा है कौन इसमें जातिवाचक संज्ञा है देखिए राइट आंसर नेता जो है, इसमें है. Okay? अगला, अगला है इसमें भी आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन है बताइए लोग इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका कवि जो है जातिवाचक संज्ञा है चलिए अगला प्रश्न देखिए इसमें आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन जातिवाचक संज्ञा है इसमें कौन जातिवाचक संज्ञा है तो इसमें आपका पशु जो है जातिवाचक संज्ञा है चलिए आगे देखिए इसमें कौन जातिवाचक संज्ञा है इसमें कौन जातिवाचक संज्ञा है कौन जातिवाचक संज्ञा है तो इसमें आपका हो जाएगा किशोर जो है जातिवाचक संज्ञा है चलिए अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा है इसमें बताइए कौन जातिवाचक संज्ञा है कौन जातिवाचक संज्ञा है देखिए तो इसका राइट आंसर इसमें बंधु जो है जातिवाचक संज्ञा है ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए जातिवाचक संज्ञा इसमें नमक है ओके चलिए हाँ इसको बताइए धिकार में कौन सी संज्ञा है धिकार में कौन सी संज्ञा है दोस्तों इसके बाद इंग्लिश मैथ होगा ओके धिकार में कौन सी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा है ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए जीत में कौन सी संज्ञा है जीत में कौन सी संज्ञा है तो इसमें हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला है जातिवाचक संज्ञा इसमें पहचानना है कौन जातिवाचक संज्ञा है तो इसमें देखिए जातिवाचक संज्ञा घोरा है जो जातिवाचक संज्ञा है ओके चलिए अगला प्रश्न इसमें गुच्छा में कौन सी संज्ञा है तो इसमें समूहवाचक हो जाएगा ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए कौन सी संज्ञा शब्दों का पराय बहुवचन नहीं होता इसमें कौन संज्ञा का शब्दों का पराया बहुवचन नहीं होता बताइए तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा ओके द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होता चलिए अगला प्रश्न बताइए कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा है ऊंचाई ओके चलिए इसमें बताइए कौन सा शब्द भावाचक संज्ञा है इसमें इसमें कौन भावाचक संज्ञा है बताइए इसमें राइट आंसर हो जाएगा पशुता जो है भावाचक संज्ञा है ओके चलिए इसमें बताइए कौन शब्द भावाचक संज्ञा नहीं है सॉरी कौन शब्द भावाचक संज्ञा नहीं है तो इसमें मिठाई जो है भावाचक संज्ञा नहीं है चलिए अगला प्रश्न कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है कौन इसमें जातिवाचक संज्ञा है कौन जातिवाचक संज्ञा है तो पुष्प जो है ये जातिवाचक संज्ञा है पूरे जाति का बोध करता है ओके कोयले में कौन सी संज्ञा है कोयले में कौन सी संज्ञा है कोयले में कौन सी संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा है ओके पूरे जाति का बोध कर रहा है अभी चलिए अगला प्रश्न बताइए कुंज में कौन सी संज्ञा है कुंज में कौन सी संज्ञा है कुंज में कौन सी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा है ओके चलिए अगला प्रश्न बताइए अगला बताना है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं ओके चलिए अगला प्रश्न बताइए अशोक मार्ग में कौन सी तो संज्ञा है अशोक मार्ग मार्ग में कौन सी बताइए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है ओके चलिए अगला प्रश्न बताइए अपनापन में कौन सी संज्ञा है अपनापन में कौन सी संज्ञा है अपनापन में कौन सी संज्ञा है तो इसमें है भाववाचक संज्ञा ओके भाववाचक संज्ञा चलिए अगला प्रश्न देखिए अपन में भाववाचक संज्ञा रिपीट है अब ये बताइए सुंदरता में कौन सी संज्ञा है सुंदरता में बताइए तो ये भाववाचक हो जाएगा ओके चलिए अगला प्रश्न राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है कौन सी संज्ञा है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति भवन में कौन सी संज्ञा है क्या होगा तो इसमें हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा ओके अब चलिए इंग्लिश करते हैं चलिए बताइएगा लोग क्या है सैन्य बताना है पेट्रॉन का सैन्य क्या होगा पेट्रॉन का सैन्य क्या होगा पैटर्न मिस क्या होता है पता है धर्म पेट्रॉन मिस क्या होता है दोस्तों बताइए पैटर्न मिस संरक्षक होता है ओके तो स्पॉन्सर हो जाएगा इसका राइट आंसर ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए कौन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है कौन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है तो डिसअपॉइंटमेंट ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए सेलेक्ट द एंटोनीम ऑफ द गिवेन वर्ड सैलो ओके बिलोम का बताइए इसका क्या होगा सैलो का बिलोम सैलो का बिलोम क्या होगा सैलो का मतलब होता है छिछला उथला ओके okay? तो इसका हो जाएगा डीप डीप राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न देखिए टू जज ए बुक बाई इट्स कवर टू जज ए बुक बाई इट्स कवर यानी बाहरी रूप रंग के आधार पर किसी विषय में धारणा बनना ओके चलिए बताइए क्या बोलेंगे इसको इसको क्या बोलिएगा लोग तो बोलेंगे टू रिल टू रिले ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए एंटोनीम बताना है कोलोजल का एंटोनीम क्या होगा क्लोजल का एंटोनीम क्या होगा तो दोस्तों इसका हो जाएगा मिनिमल मिनिमल होगा आपको पता होना चाहिए क्लोजल मीस होता है भारी या बहुत बड़ा इसमें बताइए कौन करेक्टली वर्ड लिखा है कौन करेक्टली वर्ड लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन डी नंबर में जो है ये सही लिखा है अगला प्रश्न देखिए सेलेक्ट द वर्ड विच मींस ग्रुप ऑफ वर्ड गिव ए साउंड डेट नॉट बी बीड सॉरी ए साउंड नॉट बी बीय जिसे सुना ना जा सके ओके okay. क्या होगा राइट आंसर तो राइट आंसर हो जाएगा इन ऑडियेबल ओके आगे देखते हैं द ऑप्शन डेट मींस द गिव एन आइटम to take the stock of क्या बोलेंगे इसको टू टेक तो क्या हम इसको बोल सकते हैं टू एसेस एंड एवेलुएट बिफोर टेकिंग ए डिसीजन राइट आंसर यही हो जाएगा आपका अगला प्रश्न देखिए सरनेम बताना है एग्जॉस्टिव का सर क्या होता है क्या होता है सरनेम तो कंप्लीट होता है ओके okay? पूरा के सेंस में बोलते हैं चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला है द वर्ड विच मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवेन ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड जो भगवान में भरोसा नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं उसे एथिस्ट बोलते हैं ओके okay? चलिए अगला प्रश्न देखिए द मीनिंग ऑफ द गिवेन आइटम लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट क्या बोलेंगे इसे तो इसे बोलेंगे टू रिमेन आइडल क्या बोलेंगे टू रिमेन आइडल अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या बताना है इरर बताना है गलती किसमें है बताना है इन ए डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट क्या बोलेंगे इसे दोस्तों कौन इसमें इरर है देखिए ए डेमोक्रेसी कंट्री जो है ना यही आपका इरर है ओके okay. इरर है क्यों इरर है कोई बताएंगे क्या आप लोगों में से क्यों इरर है तो आप लोगों को पता है डेमोक्रे डेमोक्रेटिक जो है ये एडजेक्टिव है ओके okay. क्या करेगा क्वालिफाई करेगा तो डेमोक्रेसी होता तो सही रहता ओके okay. तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेटी दिया है इसलिए ओके okay. आगे देखते हैं आगे बताना है आपको give it a shot give it a shot इसको दूसरे फॉर्म में क्या बोलेंगे यानी बोल सकते हैं ट्राई समथिंग राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए मैथ देख लेते हैं चलिए प्रश्न आ गया मैथ का आपके सामने कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे एक कागज का मूल्य रुपये प्रति केजी है यदि एक के जी कागज से एक सौ बानवे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर किया जाता है तो आठ मीटर भुजा वाले एक घन को कागज से कवर करने पर कितना खर्च होगा कितना खर्च होगा बताइए लोग सॉल्व कीजिए आप लोग भी देखिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा सिक्स इंटू भूजा स्क्वायर होता है तो आपको पता है छह गुने क्या बोल रहा है आठ का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा तीन सौ चौरासी मीटर स्क्वायर हो गया क्या निकल गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर चूंकि बोल रहा है क्या एक सौ बानवे रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से तो आप चूंकि क्या बोल रहा है एक सौ बानवे का कितना तीन सौ अभी निकाला अपने चौरासी तो एक पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तीन सौ चौरासी बटा एक सौ बानवे भाग दीजिए कितना आ रहा है तो दो के जी आ जाएगा ओके कितना आ जाएगा दो के जी चूँकि एक के जी का कितना बोल रहा है दो के जी का क्या पचपन बोल रहा है प्रति के जी तो दो के जी यानी दोगुना पचपन यानी एक सौ दस रुपया हो जाएगा क्लियर हो गया चलिए आगे प्रश्न देखते हैं तीन संख्या तीन अनुपात चार अनुपात पाँच के अनुपात में है और उनका लघुतम समापर्त है तो उनका महत्तम समापर्त क्या होगा सॉल्व कर सकते हैं क्या आप लोग बताइए तो कितना आंसर हो रहा है आप लोग बनाइए हम भी बनाते हैं जिनको लगता है कि वो बना सकते हैं तो बनाइए जिनको लगता है कि नहीं बना सकते हैं तो आप मेरे साथ आइए चलिए अनुपात का मतलब होता है थ्री एक्स सब में एक्स लगा दीजिए फोर एक्स फाइव एक्स ओके अब क्या कीजिए एक्स इसमें जहां आप लगाए हैं इसको क्या मान लीजिए एच सी एफ -E ओके एच सी एफ हो गया आपका तो लोह जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यानी लघुतम जब निकालेंगे एल तो तीन गुने चार गुने क्या पाँच कितना हो जाएगा तीन चौक का बारह बारह पंजे साठ है सब में एक्स लगा है ओके तो ये साठ एक्स हो गया हो। अब प्रश्न से चलेंगे क्या बोल रहा है सबका दिया है यानी साठ एक्स बराबर लघुतम दिया है चौबीस सौ सॉरी बयालीस सौ ओके बयालीस सौ दिया है तो एक्स का मान आप नहीं निकाल सकते हैं यानि सत्तर हो जाएगा छः सौ बयालीस छ सत बयालीस तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ कहीं यही आपका राइट right आंसर हो गया चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए जिनको लगता है को बना सकते हैं जो नहीं बनाएंगे वो मेरे साथ बने रहेंगे ओके okay? सात संख्याओं के समूच का माध है यदि किसी संख्या एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य सेवेंटी एट हो जाता है तो हटाई गई संख्या का मान क्या है हटाई गई संख्या का मान आपको बताना है वेरी सिंपल है देख लिए प्रश्न के अकॉर्डिंग हटाई गई संख्या कितनी सात गुने इक्यासी हो जाएगा क्योंकि सात संख्या बोल रहा है तो समूच बोल रहा हटाने के सेंस में यानी अब घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा आई इसको फिर सेवेंटी एट से गुना कर दीजिए वही आपका मान निकल जाएगा देख लीजिए कितना होगा एक सात एक सात और सात आठ छप्पन यानी पाँच माइनस जब इसको घटा कर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा चार सौ अड़सठ अब घटाइए तो कितना आ रहा है तो निन्यानवे आ जाएगा राइट आंसर ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए चार सौ मीटर लंबी ट्रेन तीन सौ मीटर लंबे पुल को सत्तर सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी तो बहुत ही सिंपल है ट्रेन की गति निकालना है तो ट्रु... क्या करेंगे ट्रेन की कुल गति निकाल लीजिए चार सौ प्लस चार सौ प्लस तीन सौ ओके निकालिए क्या हो जाएगा सात सौ ओके सात सौ हो जाएगा तो सात सौ बटा सौतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दस मीटर पर सेकेंड ओके ये क्या आ गया दस मीटर पर सेकेंड आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड में रहेगा तो अगर मीटर पर सेकेंड में रहेगा कोई चीज़ उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे आप अठारह बटा पाँच से गुना करेंगे तो अठारह बटा पाँच में गुना कीजिए दस से तो, तो पाँच दो न दस यानी क्या आ जाएगा छत्तीस तो ऑप्शन में देखिए है तो आपका यही सही हो गया ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए सरलीकृत करना है ओके सरलीकृत करना है दोस्तों इसमें सॉल्व कीजिए तो बहुत आसान है इसमें कुछ नहीं करना है आप लोग मना सकते हैं क्या राइट आंसर होगा तो इसका हम आंसर बना दे बता देते हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा सेवेंटीन पॉइंट सिक्सटी एट ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने ठीक है हम क्विज भी करेंगे आप लोग घबराइए मत क्विज हम पूछेंगे आप लोगों से जो पढ़ा दिए हैं ठीक है ना देखिए अगला प्रश्न है कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है इसमें कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है इसमें तो दोस्तों इसमें पेनिसिलियम जो है ये सेप्रोफाइट्स कवक है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम मोहम्मद आहुमाद द्वारा महम्मदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था प्रारंभ किया गया था तो ये गुरुदासपुर ओके गुरुदासपुर चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी बताइए किसके द्वारा किया गया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियस तो ये किया गया था एन एम जोशी के द्वारा ओके इंपॉर्टेंट प्रश्न है एन एम जोशी के द्वारा प्रीवियस ईयर का है कलर का क्वेश्चन चलिए अगला प्रश्न देखिए सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था सात क्रांति जिसे बोलते हैं किसके द्वारा तो यह किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा ओके okay? राम मनोहर लोहिया के द्वारा सात क्रांति या समाजवादी का विचार उन्हीं के द्वारा दिया गया था अगला प्रश्न देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी किस स्थल से की गई थी तो ये किया गया था हथनोरा से ओके कहाँ से किया गया था होमिनिड जीवाश्म की खोज हथनोरा से ओके समझ गए अगला प्रश्न देखिए शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष को हटाया था और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बोध गया कहाँ है ओके कहाँ है चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या राइट आंसर होगा तो सैव धर्म का था ओके शैव धर्म का था निम्नलिखित में से किसे शांत किसान का देश कहा जाता है शांत घटियों क्या आप बता सकते हैं क्या क्या राइट आंसर होगा तो ये हो जाएगा दोस्तों लेसोतो ले, तो। ले तो का ये देश कहा जाता है ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है अंडमान निकोबार द्वीप सुब ए लैंडफॉल द्वीप है ओके लैंडफॉल द्वीप विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश में है तो ये है ऑस्ट्रेलिया ओके ऑस्ट्रेलिया में है चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला है दोस्तों परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है इसके बाद आपको हम क्विज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताना होगा ओके परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है तो ये बनाया गया है बेतवा नदी पर ओके okay? भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है बहुत सिंपल है बताइए ये नहीं बताएंगे तो समझ लीजिए अधिकार है ओके okay? सिक कम हो जाएगा ओके okay? क्या हो जाएगा सिक कम चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला है प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया प्रकृति की ओर लौटो ये रूसों ने नारा दिया था अब चलिए खत्म हो गया अब हम कुछ क्या करते हैं दोस्तों सवाल पूछते हैं आप लोगों से आप लोग जवाब देंगे चलिए प्रश्न है मेरा पहला एम एस वर्ड एम एस वर्ड दो हज़ार दस में कौन से टैपर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती थी एम एस वर्ड दो हज़ार दस में कौन से टैपर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती थी चलिए ऑप्शन दे देते हैं आपको फाइल टैप एडिट टैप ऑफिस बटन या व्यू टैब क्या है राइट right आंसर होगा तो दोस्तों ये फाइल टैब हो जाएगा इसका ओके okay? आंसर हो जाएगा फाइल टैब चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न आप हिंदी का एक हिंदी का एक कंप्यूटर से पूछेंगे ताकि सभी लोगों को मदद मिलेगा ओके okay? चलिए कुल का मतलब क्या होता है हिंदी में बताइए लोग कुलीन का मतलब क्या होता है कुल का मतलब क्या होता है जल्दी कुल का मतलब क्या होता है, मतलब है? यानी श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला चलिए अगला बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है कहाँ पर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस जो है ये कहाँ पर उपलब्ध होता है ऑप्शन बता देते हैं दोस्तों फाइल मेन्यू पर एडिट मेन्यू पर व्यू मेन्यू पर या फॉर्मेट मेन्यू पर फाइल एडिट व्यू या फॉर्मेट किस पर होगा तो ये होगा आपका एडिट मेन्यू पर राइट right आंसर क्या हो जाएगा एडिट ओके okay? चलिए अगला प्रश्न हिंदी का इसमें बताना है आपको रसी का, का, का प्रवाची क्या होगा दोस्तों का प्रवाची क्या होगा जल्दी रसी का प्रवाची क्या होगा तो रसी का प्रवाची रजित क्या हो जाएगा रजू हो जाएगा ओके रजू चलिए अगला प्रश्न बताइए अगला आपको बताना है कि अगर हम चलिए हाँ ये बताइए ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपको पोजीशन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं ब्लिकिंग पॉइंट ब्लिंकिंग पॉइंट ब्लिकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपको आपको पोजीशन दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं ऑप्शन भी बता दें क्या चलिए ऑप्शन दे देते हैं दो गो ऑप्शन देते हैं ताकि आप आसानी से पकड़ ले कॉर्सर बोलते हैं या कॉजर बोलते हैं बताइए कॉर्सर बोलेंगे या कॉर्जर बोलेंगे आप तो कर्सर बोलेंगे ओके क्या बोलेंगे आप लोग कर्सर बोलेंगे समझ गए चलिए हिंदी का सवाल बताइए मक्खन लगाने का मतलब क्या होता है मक्खन लगाने का मतलब क्या होता है चापलूसी करना ओके चापलूसी करना ढाका के ढक के तीन पात ढक के तीन पात का मतलब क्या होता है ढक के तीन पात का मतलब क्या होता है ढक के तीन पात का मतलब क्या होता है ढक के ढाक के तीन पात का मतलब क्या होता है यानी जस की तस रहना या परिवर्तन कोई परिवर्तन ना होना ओके चलिए अगला प्रश्न बताइए मंद बुद्धि का मतलब क्या होता है मंद बुद्धि का मतलब क्या होता है मंद बुद्धि का मतलब क्या होता है मंद बुद्धि का जल्दी ओके यानी कम दिमाग वाला चलिए भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब क्या होता है भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब क्या होता है भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब कि क्या मूर्ख के आगे ज्ञान की बात करना ओके चलिए इंद्र का प्रवाची क्या होता है इंद्र का प्रवाची क्या होता है इंद्र का प्रवाची क्या होता है इंद्र का प्रवाची सुरपति होता है इंद्र का प्रवाची सुरपति होता है क्या होता है इंद्र का सुरपति सतर्कता का प्रवाची क्या होता है सतर्कता का प्रवाची क्या होता है सावधानी होता है ठीक है दोस्तों तो आज हम लोग क्लास यहीं पर रहने देते हैं उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा ओके अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे कमेंट करेंगे सुझाव करेंगे वीडियो को लाइक कीजिएगा बीच बीच में हमारा एथन क्लास लाते रहेंगे दोस्तों ओके ठीक है आप लोग अपना ख्याल रखें पढ़ाई करें और पी डी एफ वी डी एफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़िए स्टैंड बी पी एस सी यूट्यूब सर्च मारेंगे टेलीग्राम पर वहाँ पर ज्वाइन कर कर सारा वीडियो का लिंक पहले ही प्रोवाइड करवा दिया जाता है पी डी एफ भी दे दिया जाता है और कुछ हम नोट्स बना रहे हैं ओके दोस्तों देखिए एग्जाम के लिए हम आप लोगों के लिए नोट्स बना रहे हैं ठीक है वो नोट्स देखते हैं बन जाएगा तो मैं जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों टेक केयर बाय बाय सभी दोस्तों को गुड नाइट